हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9 की पोएम द डक एंड द कैंगरू और बात करूंगी सभी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी। पोएट है एडवर्ड लियर, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, म्यूजिशियन भी थे। और ये पोएम जो है द डक एंड द कैंगरू, ये है एक नॉनसेंस वर्स, और इस फॉर्म को पॉपुलराइज किया एडवर्ड लियर ने ही। नॉनसेंस वर्स मीन्स एक ऐसी वर्स, एक ऐसी पोएम जिसका कोई डीप मीनिंग नहीं है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई है। देयर इज नो डीप मीनिंग इन दिस पोएम। और ये कंपोज की गई है एक डायलॉग के फॉर्म में। सो जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है, द डक एंड द कैंगरू, तो ये डायलॉग जो है, ये जो बातचीत है, ये किसके बीच में हो रही है? डक और कैंगरू के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट। स्टैंजा 1। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop!" जो duck है वो kangaroo को बोलती है कि wow, तुम कितनी तेजी से jump करते हो, over the fields and the water too, as if you would never stop. तुम jump करके fields में भी चले जाते हो और water में भी कूद-कूद के चले जाते हो। ऐसे लगता है जैसे तुम कभी नहीं रुकोगे। It's so good that you can hop. कितनी अच्छी बात है जो तुम जंप करके यहां से वहां ट्रैवल कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। माय लाइफ इज अ बोर इन दिस नैस्टी पॉन्ड। सो ऑफ कोर्स जो डक है बेचारी, वो तो कहीं नहीं जा सकती, उसको तो हमेशा पानी में ही, अपने पॉन्ड में ही रहना पड़ता है। तो वो कहती है कि मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है, मुझे तो हमेशा इस तालाब में ही रहना पड़ता है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। लॉन्ग मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो जो डक वो कहती है कि कैंगरू से कि तुम कितने लकी हो जो जंप करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा सकते हो। मुझे तो हर वक्त इस पॉन्ड में ही रहना पड़ता है और मुझे बहुत मन करता है इस तालाब से बाहर जाके वर्ल्ड में घूमने फिरने का। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। काश मैं भी तुम्हारी तरह जंप करके यहाँ से वहाँ जा सकती। सेड द डक टू द कैंगरू। ये सब बातें किसने कही? डक ने कही कैंगरू से। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू। डक ने रिक्वेस्ट किया कैंगरू से कि प्लीज अपनी बैक पे बिठा के, अपनी पीठ पे बिठा के मुझे एक राइड पे ले जाओ, मुझे जरा घुमा फिरा लाओ। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, शोर भी नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी सिवाय क्वैक के। क्वैक जो है वो ऑब्वियसली डक, जैसे जो डॉग है वो बार्क करता है, वैसे ही जो डक है वो क्वैक करती है। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू। मैं पूरा दिन ऐसे ही घूमना चाहती हूँ तुम्हारी पीठ पे बैठ के। एंड विड गो टू द डी एंड द जेली बोल ली, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज टेक मी अ राइड, ओ डू, सेड द डक टू द कैंगरू। और जो डक है वो कैंगरू को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि कितने मजे आएंगे, हम बहुत दूर तक घूमेंगे, लैंड पे घूमेंगे, फिर सी में जाएंगे। और कौन कौन सी जगह पे जाएंगे? डी और जेली बो ली, ये जगह के नाम है कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे और खूब मजे करेंगे, विल हैव फन। सेड द कैंगरू टू द डक। तो अभी तक बात कौन कर रहा था? डक। और सुन कौन रहा था? कैंगरू। अब कैंगरू जो है वो डक को रिप्लाई करता है। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि मुझे तुम्हारे सजेशन, जो तुमने मुझे आइडिया दिया है, मुझे इसके बारे में जरा सोचना पड़ेगा। लिटिल रिफ्लेक्शन मीन्स सोचना समझना। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, कि शायद ये मेरे लिए भी अच्छा हो, शायद ये मेरे लिए भी गुड लक लेकर आए, शायद मुझे भी तुम्हारे साथ घूम के बहुत मजे आए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, पर मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ घूमने में और तुम्हें अपनी बैक पे बिठा के ले जाने में, विच इज इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि प्लीज इफ यू लेट मी स्पीक, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे फीट हैं वो बहुत ज़्यादा गीले और ठंडे हैं। एंड
would probably give me the rheumatiz. Rheumatiz जो है वो word use किया गया है rheumatism की जगह. Rheumatism. Rheumatism एक disease है. आप देखिए नीचे लिखा भी है मैंने. ये एक गलत spelling use की गई है एक musical effect create करने के लिए. But असली spelling क्या है? Rheumatism. Rheumatism. कि तुम्हारे मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें अपनी पीठ पे बिठा के घुमाने में. But सिर्फ एक problem है. तुम्हारे पैर बहुत ज़्यादा गीले और ठंडे हैं. शायद मुझे रूमेटिज़म भी हो सकता है. रूमेटिज़म एक डिज़ीज़ है जिसमें जॉइंट्स में दर्द होता है ठंड की वजह से. तो ये किसने कहा? कैंगरू ने कहा डक से. उसने अपनी प्रॉब्लम अपने डाउट्स शेयर किए. सेड द डक. अब उसके बारे में उसका रिप्लाई डक ने क्या किया? एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली. कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे पता था कि ये आएगी और रॉक्स पे बैठे बैठे मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है. एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स. वर्स्टेड मींस ऊनी कपड़े से बनी हुई. कि हाँ मुझे पता है मेरे पैर ठंडे हैं इसीलिए मैंने 4 पेयर्स गर्म सॉक्स भी खरीद लिए हैं. विच फिट माई वेब फीट नीटली. जो कि मेरे वेब वाले पैरों पे बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएंगे और तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी. तुम्हें फील भी नहीं होगा कि मेरे पैर ठंडे हैं जब मैं तुम्हारी पीठ पे बैठूंगी. एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक एंड एवरी डे अ सिगार आल स्मोक. और ठंड से बचने के लिए मैंने तो एक क्लोक यानी कि एक वॉर्म एक कपड़ा ओढ़ने के लिए भी खरीद लिया है और रोज मैं एक सिगार भी स्मोक करूंगी ताकि ठंड से बच सकूं. एंड टू फॉलो माय ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू. ये सब कुछ मैं करूंगी ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो. सेड द कैंगरू. अब कैंगरू ने डक की बात सुन के क्या कहा? आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल एंड टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल. कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ. ऑल इन द मूनलाइट पेल. अब जो मूनलाइट है वो जब गिरती है तो एक चमक सी आती है येलो कलर की चीज़ों पे. तो वो बोलता है कि ओके आई एक्सेप्ट योर ऑफर. हम घूमने ज़रूर चलेंगे. मैं तुम्हें लेके जाऊँगा बट तुम अच्छे से बैठना बैलेंस बना के बैठना मेरी पीठ पे और सिट स्टेडी. ज़्यादा हिलना डुलना मत. एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल. और ज़रा मेरी टेल के एंड पे बैठना. अब यू कैन सी इन द पिक्चर डक इज सिटिंग एट द एंड ऑफ कैंगरूज टेल. सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड. और फिर वो दोनों चले गए और कैंगरू हॉप करते करते जंप करते करते वो खूब घूमे फिरे. इनफैक्ट वो इतना घूमे कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड के 3 चक्कर काट लिए. एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू. उन्होंने बहुत मज़े किए. और लास्ट में पॉइंट बोलते हैं कि उनके जितना खुश और कौन है आज जितने कि ये डक और ये कैंगरू खुश हैं. सो ये आपकी पोएम यहाँ ख़त्म हो गई. जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें कोई भी डीप मीनिंग नहीं है. इट्स अ नॉन सेंसिकल वर्ड्स. अब बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में. स्टेंजा 1. सबसे पहले है एलिट्रेशन. रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज कनेक्शन. जब एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है उसे बोलेंगे एलिट्रेशन. अंडरलाइन वर्ड्स को देखिए. गुड ग्रेशियस. ग साउंड यहाँ रिपीट हुई है. और इसी के साथ हाउ यू हॉप. हाउ हॉप. ह साउंड यहाँ रिपीट हुई है तो इसे कहेंगे एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज रेपिटेशन. सेड द डक टू द कैंगरू. देखिए स्टेंजा 1 की फर्स्ट लाइन भी यही है और लास्ट लाइन भी यही है. और इनफैक्ट पूरी पोएम में कई बार यही सेम लाइन रिपीट की गई है तो इसे कहेंगे रेपिटेशन. मूविंग ऑन टू स्टेंजा 2. स्टेंजा 2 में भी एलिट्रेशन है. देखिए अंडरलाइन वर्ड्स को. थर्ड लाइन. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से. सिट स्टिल से. स साउंड यहां रिपीट हुई है तो ये एग्जाम्पल हो गया एलिट्रेशन का. अगेन रेपिटेशन है. सेम एग्जाम्पल. सेड द डक टू द कैंगरू. सेड द डक टू द कैंगरू. दो बार ये रिपीट हुआ इस स्टेंजा में भी. रेपिटेशन है ये. और थर्ड लास्ट लाइन में देखिए.
ओवर द लैंड एंड ओवर द सी. यहाँ पे जो वर्ड है ओवर वो यूज किया गया है दो बार, रिपीट हुआ है, इसीलिए ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा रेपिटेशन का. थर्ड स्टेंजा में अगेन एलिट्रेशन है. रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन, र साउंड यहाँ रिपीट हुई है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसे कहेंगे एलिट्रेशन. सिमिलरली थर्ड लाइन में माइट ब्रिंग मी लक. माइट मी, म साउंड रिपीट हुई है यहाँ. और फिफ्थ लाइन में इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड. स्पीक सो, अगेन यहाँ पे सर साउंड रिपीट हुई है. सो ये सब एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के. रेपिटेशन फिर से, सेट द कैंगरू. सेट द कैंगरू यूज किया गया है दो बार, तो ये है रेपिटेशन. नेक्स्ट स्टेंजा में एलिट्रेशन. विच फिट माई वेब फीट नीटली. विच वेब, व साउंड रिपीट हुई है यहाँ. और इसी की नेक्स्ट लाइन में कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक. कोल्ड क्लोक, क साउंड यहाँ रिपीट हुई है, तो व और क दोनों ही साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एलिट्रेशन के. नेक्स्ट है एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लगातार आने वाली लाइन्स, कंजेकेटिव लाइन्स शुरू होती हैं एक ही वर्ड से, उसे कहेंगे एनाफोरा. अब आप देखिए, एंड टू कीप आउट द कोल्ड एंड एवरी डे अ सिगार. ये दोनों ही लाइन्स, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन्स, दोनों ही लाइन नंबर 5 और 6, वो दोनों ही स्टार्ट हो रही हैं एक ही वर्ड से जो कि है एंड. सो इसे कहेंगे एनाफोरा. इसी स्टेंजा में एंजॉयमेंट का भी यूज हुआ है. एज यू कैन सी थर्ड लाइन के लास्ट में और सेकेंड लास्ट लाइन के लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसे हम कहेंगे एंजॉयमेंट. स्टेंजा 5, लास्ट स्टेंजा में अगेन एलिट्रेशन है. थर्ड लाइन देखिए, बट टू बैलेंस. बट बैलेंस, ब साउंड यहाँ रिपीट हुई है. इसी लाइन में डियर डक सिट स्टेडी. डियर डक, ड साउंड यहाँ रिपीट हुई है. और लास्ट टू वर्ड्स यानी कि सिट स्टेडी में स साउंड रिपीट हुई है. उसके बाद आप देखिए फिफ्थ लाइन में, सो अवे दे वेंट विद अ हॉप. वेंट विद, व साउंड यहाँ रिपीट हुई है, इसे भी कहेंगे एलिट्रेशन. उसके बाद अगेन एनाफोरा. देखिए थर्ड लास्ट लाइन और सेकेंड लास्ट लाइन, ये दोनों ही लाइन्स स्टार्ट हो रही हैं एक ही वर्ड से जो कि है एंड. सो इसलिए ये हो गया एनाफोरा. फिर है रेपिटेशन. देखिए सेकेंड लास्ट लाइन में, एंड हु सो हैप्पी ओ हु. हु जो वर्ड है वो ट्वाइस यानी कि दो बार रिपीट हुआ है, तो ये हो गया रेपिटेशन. एक पोएटिक डिवाइस जो यहाँ यूज हुई है वो है रेफ्रेन. अब रेफ्रेन किसे कहते हैं? अ फ्रेज विच इज रिपीटेड रेगुलरली इन अ पोएम टू एड म्यूजिक टू द पोएम. तो अगर एक ही चीज बार बार रिपीट की जाए एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, उसे हम बोलेंगे रेफ्रेन. जैसे कि सेट द कैंगरू टू द डक, सेट द डक टू द कैंगरू. अब ये रेपिटेशन तो है ही, बट ये रेपिटेशन क्यों किया गया है? एक तरह का म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए, तो इसे हम कहेंगे रेफ्रेन. सो दैट्स अबाउट इट. आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया है, आपको लिंक भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वरना आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं. उसे भी आप ज़रूर सुने क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में नहीं. सो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे कॉमेंट्स भी कर सकते हैं. थैंक यू.